संजय दत्त वर्सेस सन्नी देओल टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। संजय दत्त की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है समशेरा, जिसने 150 करोड़ के बजट से 63 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वही सन्नी देओल की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जिद्दी, जिसने 7 करोड़ के बजट में 25 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट संजय दत्त को मिलता है। संजय दत्त की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑनल द बेस्ट, जिसने 40 करोड़ के बजट से 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं सन्नी देओल की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है सिंह साहब द ग्रेट, जिसने 25 करोड़ के बजट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो फिर से पॉइंट संजय दत्त को मिलता है। संजय दत्त की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है डबल धमाल, जिसका बजट था 25 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 70 करोड़ का। तो वही सन्नी देओल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है अपने, जिसका बजट था 20 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 41 करोड़ का। संजय दत्त की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, जिसने 300 करोड़ के बजट से 90 करोड़ रुपए कमाए थे। वही सन्नी देओल की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है इंडियन, जिसने 15 करोड़ के बजट से 42 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट संजय दत्त को मिलता है। संजय दत्त की 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, जिसने 19 करोड़ के बजट से 102 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं सन्नी देओल की 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है द हीरो, जिसने 35 करोड़ के बजट में 45 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। पॉइंट संजय दत्त को मिलता है। संजय दत्त की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है कलंक, जिसका बजट था 130 करोड़ और इसने 146 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वही सन्नी देओल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है यमला पगला दीवाना 2, जिसका बजट था 46 करोड़ और इसने 48 करोड़ रुपए कमाए थे। संजय दत्त की 4थी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है सन ऑफ सरदार, जिसने 65 करोड़ के बजट से 156 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वही सन्नी देओल की 4थी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बॉर्डर, जिसने 10 करोड़ के बजट से 65 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट संजय दत्त को मिलता है। संजय दत्त की 3री सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है अग्निपथ, जिसका बजट था 60 करोड़ और इसने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।